Hello students, today we have one of our UPSC student. He's into the mentorship guidance under me. So he has secured 689 rank in SSC CGL exam of 2022. Yesterday the results were out and this is Devesh. Hi Devesh, हेलो सर। how are you? सर मैं एकदम बढ़िया। आई एम सब ठीक है? फाइन। सब बढ़िया सर। और टुडे विल बी हैविंग जस्ट अ कैंडिड कन्वर्सेशन अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर यूपीएससी, बिकॉज़ आई एम ए यूपीएससी मेंटर एंड टीचर. सो एंड यू आर आल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट, बट यू सिक्योर्ड 689 रैंक इन एसएससी सीजीएल, बिकॉज़ जीएस प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन एसएससी आल्सो, द जनरल सर स्टडीज इस करंट बार अफेयर्स. इस बार काफी क्वेश्चंस आए थे. हाँ सर इस बार एक्चुअली क्या है, मेंस का पूरा पूरा वो सिनेरियो चेंज हो गया। इस बार जैसे लास्ट टाइम तक क्या हो रहा था, 21 तक कि मेंस में खाली मैथ्स और इंग्लिश आता था। अब हाँ इस बार से पूरे का पूरा उन्होंने पैटर्न बदल दिया। अब इस बार जीएस को दिया 75 मार्क्स का, तो काफी हेल्प हुई। मतलब मान सर जीएस की वजह से ही इस बार सबकी रैंक बनी है। जितने भी टॉपर्स आए उन सबकी रैंक में जीएस का बहुत बड़ा रोल है। तो यू वांट टू से कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन तुम्हारा मेन, तो तुम्हारा जो कोर प्रिपरेशन तो यूपीएससी का था, जितना मैं जानता हूँ 1-2 साल से तुम पढ़ रहे थे. तो यूपीएससी प्रिपरेशन कितना हेल्प किया एसएससी एग्जाम पे सर बेसिकली मैं पहले एसएससी का पेपर देता था शुरुआत में, शुरुआत में? 2018 से मैं हाँ एसएससी, हाँ 2018 से दे करेक्ट. रहा था। इधर 21 के बाद से मैंने एसएससी प्रिपरेशन छोड़ दिया था और मैं यूपीएससी में चला गया था। फिर मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन फुल फ्लेज में चालू किया। अब फर्दर से मुझे जितना मुझे याद है कि 2021 पैंडेमिक के टाइम पे यू केम अंडर द गाइडेंस ऑफ माय मेंटरशिप, हाँ राइट? सर हाँ मेंटरशिप एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो हिस्ट्री वाली क्लास हुई थी आपके साथ, वेस्टर्न हिस्ट्री हिस्ट्री, क्लास किया, फिर तुमने मॉडर्न पूरा हिस्ट्री वाली मेंटरशिप, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री, फिर देन पूरा। पूरा मेंटरशिप में लिया. आई गेस यू आर स्टिल इन द मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, बट यू सिक्योर्ड रैंक इन एसएससी, राइट? सर अभी भी सर मेंटरशिप प्रोग्राम में हो। दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड 689 रैंक, जी 689 सर रैंक आई है एसएससी सीजीएल में। सर हाँ बात यह है कि इस बार पूरे का पूरा पैटर्न बहुत चेंज हो गया एसएससी का, और जीएस ने इतना बड़ा गेम चेंजर किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मार्क्स आए वो सर टॉप 10 में होने चाहिए। 57 मार्क्स सर बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है इस बार के पेपर में, तो उसी की वजह से मेरी रैंक ऊपर से एकदम ऊपर चली गई। करेक्ट. और इस तरह एक खास और इतना फायदा मुझे मिला है कि मुझे जो पोस्ट चाहिए थी, जो मैं सोच के गया था कि टॉप पोस्ट एसएससी की, वो मुझे मिल जाएगी। इस बार ओके, रिजल्ट वेरी आ गया, मुझे मिल ही गया, एएसओ इन सीएसएस मिल गया है। गुड. वी आई गेस कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे कि कौन से पोस्ट के बारे में ज्वाइन करना. तुमने मुझसे पूछा था कि दिल्ली में कौन कौन से अच्छे अच्छे हाँ पोस्ट है वहां पे. हाँ ऑप्शन कम प्रिफरेंस फॉर्म आया था सर तब। तो मुझे एक चीज बताओ, जो कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी एग्जाम के लिए, जो यूपीएससी के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो बिकॉज यूपीएससी एक ऐसा अनसर्टन फील्ड है, काफी अनसर्टन फील्ड है, बहुत जनों का प्रीलिम्स नहीं होता है, बहुत जनों का मेंस नहीं होता है, बहुत जन इंटरव्यू से भी क्लियर नहीं कर पाते हैं. तो बिकॉज यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड ऑल्सो एन एसएससी एस्पिरेंट एंड यू हैव क्रैक्ड एसएससी, सो हाउ डू यू सी दिस, कि आप बच्चों के लिए क्या मैसेज बाहर प्रोवाइड करेंगे कि क्या यूपीएससी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो एसएससी एक बैकअप, अच्छा बैकअप बन सकता है? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. सर बेसिकली अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जो ऑटोमेटिकली बैकअप हैं। अगर आपने ध्यान से देखा, जैसे स्टेट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन आती है या रिव्यू यस ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं, जो अगर आप यूपीएससी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोप है। जहाँ तक बात रही एसएससी की सर, एसएससी में सर यूपीएससी का वो कोफिशियंट काम आएगा जो सीसैट वाला है। अगर आपकी मैथ्स करेक्ट. रीजनिंग सीसैट अगर आपका अच्छा है तो आप एसएससी के लिए बिल्कुल जाए, क्योंकि अगर आप एसएससी में अच्छी पोस्ट पाते हैं और आपको दिल्ली रहने का मौका मिलता है तो सर आपका यूपीएससी जर्नी भी बहुत आसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद एक आपके पास अच्छी रेपुटेड जॉब है, आपको टाइम मिलेगा, 5 डे वर्किंग 2 दिन का टाइम मिलेगा, आप चाहो तो प्रिपरेशन अच्छे कर सकते हो। मतलब मैंने भी सोचा आप कहना चाहते हो कि आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके पास मौका है और अटेम्प्ट है. सर बिल्कुल, अगर विल पावर है, अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्योंकि सर दिल्ली की पोस्टिंग मेन लेने का सर जो मेरा खासकर जो मेरा रीजन है वो यही है कि मैं यूपीएससी को आगे कंटिन्यू करूंगा, जब तक एज है तब तक मैं जाऊंगा, कोशिश करता बिल्कुल रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी बिकॉज यू आर फ्रॉम यूपी,
यू आर फ्रॉम यूपी लखनऊ, सो मेरे हिसाब से यू हैव काइंड ऑफ अ वेरी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. एक तो यूपीएससी है, एक तो यूपीपीसीएस भी है, अब एसएससी भी यू हैव क्रैक. सो अभी आगे तुम्हारा, क्योंकि तुम अभी भी मेंटरशिप में मेरे अंडर में हो एंड यू आर कंटिन्यूइंग, जैसे कि करंट अफेयर्स काफी मेरे हिसाब से तुम पढ़ रहे थे लास्ट ईयर से पूरा कंटिन्यूअसली. मैं हाँ सर, सो मैं तो अभी आपसे कितना क्वेश्चन मैसेज लिख लिख के आपसे पूछता रहता था, बीच में आपकी क्लास चल रही थी हाँ तो भी मैं बीच में पूछ लेता था। तो वो सर बहुत हेल्प किया, मतलब जब मेरे नंबर आए और खासकर जीएस के नंबर जब मैंने देखे तो मुझे लगता है जैसे सर मेरा एक पूरा ग्रुप है जो कोर एसएससी ग्रुप है, जब उनमें से सबने नंबर देखे तो सबको समझ में आया कि कितना फायदा हुआ है इस बार। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है जिसका भी जीएस स्ट्रांग था, बहुत आराम से उसको कोई ना कोई पोस्ट मिली होगी, मतलब क्योंकि मैथ्स इतनी सिंपल आ रही है एसएससी के हिसाब से कि सीसैट वाला बंदा बहुत आराम से करेगा, तो जीएस का बहुत अच्छा रोल रहा इस बार। तो ये चीज जितना मुझे मालूम है, बिकॉज आई एम इनटू 5 to 5.5 years इनटू टीचिंग एंड मेंटरशिप, 2018-19 से मैं कर रहा हूँ. एसएससी वाज नेवर ए बिग बैकअप फॉर यूपीएससी. यूपीएससी अगर नहीं हुआ तो एसएससी उतना बड़ा बैकअप नहीं था. बट अभी जैसे कि तुम बोल रहे हो कि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जीएस का क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये एक अच्छा बैकअप हो सकता है आगे आगे के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर जो आगे का जो साल है बच्चों के लिए? सर एक्चुअली पूरा मतलब 2022 ना पूरा ऐसा गेम चेंजर है, उसने एसएससी को एकदम अच्छे से चेंज किया है। उस चेंज होने से सर ये फायदा रहा है कि अब यूपीएससी का अगर अच्छा बच्चा है जो सीसैट की तैयारी को भी सीरियसली ले रहा है, बहुत आराम हाँ से उसके चांसेस है कि वो अच्छी रैंक यहाँ ला के अपने आप को सिक्योर कर सकता है, मतलब आपका बहुत अच्छा बैकअप बनेगा यूपीएससी एसएससी में। बैकअप. ओके, तो दैट इज व्हाट, बिकॉज जब बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज कि तुमने रियल टाइम क्रैक किया है, सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मैं आगे के बच्चों को उस हिसाब से मेंटर करूंगा. बिकॉज द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग दिस इज ताकि बच्चों को पता चले कि एग्जैक्टली, क्योंकि लाइफ ये जो 6 साल 7 साल 8 साल या फिर जो 5 6 साल होता है, तो स्टूडेंट्स पूरा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब कुछ रिटर्न आगे मिलता नहीं है तो डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, यू ऑल्सो नो इट. तो उस सब चीज को सॉल्व करने के लिए, दैट इज माई ओनली थिंग भाई, आई एम आस्किंग यू रिपीटेडली, 2 बार पूछा कि यस कि क्या ये है. बिकॉज सी स्टेट एग्जाम्स तो ऑब्वियसली रहते हैं, स्टेट एग्जाम्स तो रहते हैं, जैसे कि तो यूपीपीसीएस हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, जेएनकेपीसीएस हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया. तो बिकॉज फ्रॉम दिस ईयर, बिकॉज जीएस प्लेज अ वेरी बिग पार्ट और प्लेड अ वेरी गुड पार्ट फॉर यू इन योर एग्जाम, सो इट कैन बी टेकन एज अ गुड बैकअप, राइट? बिल्कुल सर, इट इज अ वेरी गुड बैकअप। मतलब बेसिकली मैं ये बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि सीसैट पोर्शन अगर कोई मन लगा के कर रहा है, क्योंकि तो सीसैट में ही मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश कवर हो जाती वो है। सब कवर हो जाता और है. हाँ हाँ मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स का पहले जैसे एसएससी फेमस था सर मैथ्स की वजह से, क्योंकि इसमें आते थे मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन, तो मैथ्स का लेवल बहुत हाई रहता था। और अब जो एसएससी की टेंडेंसी है वो मैथ्स को उन्होंने बहुत लोअर डाउन कर दिया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीसैट का पेपर अगर बच्चा ढंग से सीसैट पढ़ रहा है तो हो सकता है वो मैथ्स यहाँ पर अचीव कर ले, बस टाइम बाउंड मैनर में उसे मॉक टेस्ट देने रहेंगे, एक बार मॉक से फेमिलियरिटी लानी पड़ेगी। बाकी अगर वो अच्छे से कर पा रहा है तो इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना, बाकी जीएस वगैरह सर अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो इंग्लिश और मैथ्स है वो सब रेपिटेटिव आ रहे हैं, मतलब अगर कोई बच्चा है जो एसएससी का एग्जाम यूपीएससी के बाद देता है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर भी करेगा ना, तो अच्छा चांस बन रहा है कि वो इसको क्रैक कर सकता है, उसको बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तुम्हारा कितना अटेम्प्ट है यूपीएससी के लिए? तीन सर मेरे अभी अटेम्प्ट है 3 या 4 अटेम्प्ट बाकी, 4 अटेम्प्ट बाकी है। चार अटेम्प्ट बाकी है. सो जितना मुझे, जितना मैं तुमको जानता हूँ, यू विल कंटिन्यू विथ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस बिल्कुल जॉब, बिकॉज एक बैकअप मिल गया है, एक सस्टेन करने के लिए एक इनकम मिल गया है, सो नाउ यू कैन वेरी इजिली आराम से टाइम निकाल के यू कैन कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन, राइट? यस सर, मैं अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल. तो अभी जैसे कि एग्जाम है, उसके पास मेंस है, मेंस आंसर राइटिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि रैंक पाने के लिए मेंस का लिखना बहुत जरूरी है, आपको डेली आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, जो हम मेंटरशिप में करते भी हैं, जो हम बिल्कुल करते भी सर हैं. ओके, सो नाउ टेल मी लाइक, जब तुम, क्योंकि मैं, बिकॉज आई नो यू सिंस पैंडेमिक टाइम्स, तो काफी साल हम जुड़े हैं एज अ स्टूडेंट एंड टीचर, सो थोड़ा अप्स डाउन्स के बारे में यू कैन शेयर टू द स्टूडेंट्स जिनका क्रैक नहीं होता है, या फिर जो हार मान के छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, अब जैसे अभी तो मैंने यूपीएससी का ये सेकंड अटेम्प्ट ही देने जा रहा हूँ, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट पढ़ रहा है। मैं ये एसएससी के बारे में बता सकता हूँ कि सबके अप्स एंड डाउन किसी भी एग्जामिनेशन के सेम ही होते हैं, जो तैयारी कर रहा होता मन लगा के करता है।
मैंने 2018 से एसएससी का पेपर देना चालू किया था, और 18, 19, 20, 21 एक बार भी, मतलब मेंस हर बार देता था लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आता था, तो फिर एग्जाम का कोई मतलब नहीं था। लेकिन 22 में, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ और मैं यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन कर गया, तो मेरे लिए तो एकदम गॉड गिफ्ट हो गया कि भगवान ने जैसे मुझे रास्ता दिखा दिया, पुराना तैयारी और साथ में इधर का इंक्लिनेशन मेरे को रैंक दिला के चला गया। और मतलब अब यही है कि अगर आप अपने पर बिलीव करते हो और लगातार किसी भी चीज के लिए कर रहे हो कोशिश, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ मतलब वो चीज आपके पास आएगी, बस थोड़ा सा वेट करना और लगातार लगे रहना, तो कहीं ना इसका कहीं से मतलब कुछ ना कुछ। कोशिश कोशिश करनी चाहिए और पेशेंस के साथ आपका जो हार्ड वर्क है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट? सर बिल्कुल होनी चाहिए। मेरी स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा था, मैं जैसे सर मेरे फादर 2011 में एक्सपायर डिवाइस हो गए थे, उनका एक्सपायर, उसके बाद मुझे जॉब करनी पड़ी, फिर मैंने ग्रेजुएशन जॉब के आने के बाद किया, सोचे प्राइवेट से जॉब, प्राइवेट से ग्रेजुएशन किया, मेरा लिंकअप स्टडी से छूट गया था, फिर मेरा ग्रुप बना, उनके साथ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी यहीं लखनऊ में, सुरचिता लाइब्रेरी है, उन दोस्तों के साथ मैंने एसएससी की प्रिपरेशन चालू करी, वो सब अच्छे पढ़ने में थे, उन लोगों का ग्रुप अच्छा था, उनमें से बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन भी हो गया। फिर धीरे धीरे करते करते मैं यूपीएससी की तरफ, जब मुझे लगा कि मैं नहीं कर पा रहा उसको और ये मेरे लिए नहीं है, तो मेरे घर वालों ने मोटिवेट किया कि जब एक जॉब है तो तुम यूपीएससी की तरफ जाओ, तुम क्यों एसएससी करने की कोशिश कर रहे हो। फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ के एकदम लीव ले ली, LWP ले करके मैं यूपीएससी में लग गया था। फिर जी, इधर जैसे ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू करी, इधर एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, पैटर्न वो चेंज तो कर एकदम, दिया। जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, तो तो इसका मतलब जिस जिस बार आप यूपीएससी से, दो द टाइम यू केम, द टाइम यू केम, वन सेकेंड, द टाइम यू ज्वाइन, आई गेस वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली टोल्ड यू, राइट? टू लाइक, हम तो पर्सनली नहीं जानते थे, आई गेस यू केम फ्रॉम सम स्टूडेंट रिकमेंडेशन, इफ आई सर वन रिमेम्बर। ऑफ माय, हाँ सर, मेरे एक भैया थे मनु भैया, ही वाज योर स्टूडेंट, वो आपके नोट्स वगैरह उन्होंने पढ़े थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि जैसे अभी तू शुरू कर रहा है तो आपके अंडर जाओ, आपका उन्हें नोट्स और आपका पढ़ाने का तरीका वो आपको फॉलो करते, तो उन्हें काफी अच्छा लगा, तो फिर मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे काम किया, मैं आपके पास हाँ, आ गया, पैंडेमिक के मनु टाइम भैया पे थे। आई हाँ पैंडेमिक के टाइम पे यू कॉल्ड मी, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। आई वाज स्टेइंग इन करोलबाग दिल्ली, एंड यू कॉल्ड मी एंड वी हैड ए टॉक, लॉट ऑफ टॉक्स हमने किया था, कैसे करना है, क्या करना है। सो इसका मतलब जितना मैं सारांश में बोल सकता हूँ कि अगर आप टॉप लेवल एग्जाम की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं जो उसके इमीडिएट नीचे रहता है वो सब इजी हो जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है, बस सर राइट स्ट्रेटेजी ये के हिसाब से सर पढ़ना है। लाइफ लेसन हो गया सर ये मेरा, कि अगर आपने एम हाई किया है तो नीचे आपको मिलना ही मिलना कुछ है, मिलना ही अगर आप मिलना एम है, ही नीचे कर दोगे तो फिर आपको उससे नीचे एग्जैक्टली। क्या मिल सकता है, सो दिस तो इज लाइफ लेसन हो गया। व्हाट, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट योर, थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू टेल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कि अगर भी नहीं हो रहा है तो दिल छोटा मत कीजिए। एक चीज अपने आप को बोलिए कि सी सैट पे अच्छा खासा ग्रिप लाइए, क्योंकि जब सी सैट में आपका अच्छा खासा ग्रिप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम एक आधा चीज हो गया। जो एसएससी एग्जाम्स होता है, आरबीआई बैंकिंग एग्जाम्स होता है, 50-60% एग्जाम हो गया। नाउ यूपीसी कह ले, आप वैसे भी जीएस करोगे, करंट अफेयर करोगे, आपको करंट अफेयर साल भर रहना है। जैसे कि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एवरी मंथ मैगजीन राव से कीजिए अच्छे से, जो फोकस राव का जो मैगजीन आता है, बहुत अच्छा मैगजीन आता है, वहां से कीजिए, मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़िए। तो कहीं ना कहीं जीएस यूपीसी के लिए और जो सी सेट हम कर रहे हैं, इन दोनों में अगर हम उसके साथ रहेंगे और जब एसएससी का फॉर्म फिलअप आता है 2 महीने 3 महीने पहले, थोड़ा बहुत उस हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम इजी हो ही जाता है, क्लियर हो ही जाता है। बहुत आराम हो जाएगा अगर आपने ऐसे मेहनत कर ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम से आप 1-2 महीने पहले ही उसके मॉक्स देना चालू कर दीजिए, तो मॉक्स, आपको धीरे धीरे हाँ करके आप हैबिचुअल, क्योंकि देखिए एसएससी सर एक्चुअली टाइम प्लेइंग गेम है, अगर आप टाइम के करेक्ट, अगेंस्ट जीत जाते हैं, क्योंकि वहां पर पेपर बहुत आसान आता है, बस टाइम इतना रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि आपका ब्रेन आपको जवाब दे देता है कि यार ये टाइम नहीं होगा, मैनेजमेंट, आज सो इट आंसर इज कब देना है। बेसिकली अ हाँ टाइम मैनेजमेंट एग्जाम। हाँ बेसिकली अ टाइम मैनेजमेंट एग्जाम जो आपको मॉक्स के द्वारा आपको वेल आपको प्ले कर लेना है कि अच्छे से, बार बार अगर आप मॉक्स दे देते हैं तो आप एकदम उसके लिए रेगुलर हो जाएंगे, तो फिर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, आई एम एक्चुअली हैप्पी फॉर यू बिकॉज आई नो योर जर्नी सिंस 2 इयर्स। बच्चों के लिए करा, इस वीडियो में करने का मेरा सिग्निफिकेंस और उद्देश्य वही है कि बच्चों को पता चले कि एक एक स्टूडेंट का लाइफ कैसा रहता है। बिकॉज आई एम अ टीचर कम मेंटर, सो आई एग्जैक्टली नो तुम्हारा लाइफ में क्या है, फादर गुजर गए थे, हाउ यू कोप्ड अप विद द फेलियर्स, तुम्हारा बीच में भाई, तुम्हारा, इफ आई से इट करेक्टली, तुम्हारे बीच में भाई के पास भी तुम गए थे, उनका कहाँ पे कॉलेज में अभी एडमिशन हुआ था। हाँ सर अभी इसी साल सर
इसी साल हुआ था। सो यू आर वेरी नर्वस कि मैं भाई के पास रहना है तो मैं पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था आपका पढ़ाई में भी, दैट आई नो एग्जैक्टली आई नो। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर मेंटरशिप राइट। स्टूडेंट को यस जब प्रॉब्लम होती है तो मेंटर ही आता है, सिर्फ पढ़ाने का नहीं, लाइफ के साथ भी क्या हो रहा है उसका ये ड्यूटी है मेंटर का, कि वो तो बताएगा ये करना है या ये नहीं करना है और कैसे करना है। बिल्कुल सर, सो सर आई एम यही जब भी मैं परेशान हुआ हूँ, जितनी बार भी मुझे कुछ ऐसा लगा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, तो मैंने अक्सर आपको बीच में ही कॉल कर हाँ दिया, पहले शेड्यूल हो ना हो, किसी भी टाइम कॉल करके हाँ आपसे पूछ दिया है कि सर ये जी ऐसा नहीं हो हाँ पा रहा है, मुझसे ये टॉपिक नहीं हो पा बिल्कुल रहा है, इसको कैसे करूँ, ये सब्जेक्ट बिल्कुल मुझे नहीं बिल्कुल आता, इसको कैसे करूँ, तो वो बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बहुत एडवांटेज, मेरे लिए बहुत एडवांटेज रहा है नो आई एम सर। एक्चुअली एक चीज वेरी और, हैप्पी। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलो। बताता हूँ, इस बार जो एसएससी का पैटर्न है जीएस का, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन, मतलब एसएससी ने जैसे पहले एसएससी क्या करती थी कि सिंपल क्वेश्चन और ऑप्शंस और आपको एक टिक मारना है, इस बार बिल्कुल उन्होंने प्री हो चाहे मेंस हो स्टेटमेंट क्वेश्चंस लाने का नया ट्रेंड चालू किया है, नॉट ऑफ द नाउ लेवल ऑफ यूपीएससी बट जस्ट टू हाँ इंटर जस्ट टू इंटरप्ट, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस यूपीसी में ही आते हैं, उसका लेवल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो यूपीसी में ही स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इफ यू नो इट याद आते हैं। करेक्टली। जी हाँ प्रैक्टिसिंग, जैसे आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आते हो तो यूपीएससी में ही ज्यादा आते हैं, इनफैक्ट यूपीपीसीएस में भी इतने स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं आते जितना मुझे पता है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट जो अब जैसे इस बार सर क्वेश्चन आया था ईडब्ल्यूएस पे, देवर थ्री स्टेटमेंट्स, आपको बताना था कि तीन में से क्या सही है क्या नहीं सही है, और कंफ्यूजिंग थे, अच्छे अच्छे बच्चे जिनको ईडब्ल्यूएस के बारे में पता है उसमें एक वर्ड इसने उन्होंने घुमाया और बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो करेक्ट सिमिलरली ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आया था गेम रूल पे, तो मुझे आते थे, मैंने पढ़ रखे थे, मैंने राव से पढ़ रखा था, हिंदू पे एडिटोरियल पढ़ वो रखे थे, सब आंसर्स गेम रूल आपने एक लिखवाए थे, एग्जैक्टली 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 हाँ। तो तो वो इसका काफी मतलब मैटर किया। जीएस तो इसका मतलब वी शुड कन्वे टू द पीपल कि दोज हु आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी ट्राई टू डाइवर्सिफाई टू थ्री अदर एग्जामिनेशंस कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ यूपीएससी। सर अगर उनके पास से, मेरा तो ये लॉजिक रहता है, जैसे मैं यंगस्टर्स को जो भी मेरे छोटे भाई बहन, मैं ये बताता हूँ कि अगर आप छोटे हो तो आप बड़ा ड्रीम करो, पहले ट्राई कर लो, अगर नहीं होता है तो फिर आप डाइवर्सिफाई करो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास टाइम नहीं है या आपके ऊपर प्रेशर है घर वालों का, अगर प्रेशर नहीं है तो फिर मैक्सिमम टाइम आपको ऊपर वाले एग्जाम के लिए ही जाना चाहिए, अगर बिल्कुल प्रेशर है, अगर आपको कोई डिप्रेशन हो रहा है तो आप बिल्कुल दो, आप बस जिस एग्जाम के लिए भी जाओ उसका प्रीवियस ईयर और उसको देने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि पहले यूपीएससी और एसएससी सर बहुत डिफरेंस था, लेकिन आप बिल्कुल देखिए सर यूपीएससी यूपीएससी ईपीएफओ एसएससी बहुत सिमिलर रेंज में सर, अगर काफी एसएससी का सिमिलर हो गया। बच्चा, हाँ एसएससी का बच्चा बीपीएफओ का पेपर भी बहुत अच्छे से करेगा और यूपीएससी वाला बच्चा भी ईपीएफओ के लिए जाता है, तो सर बहुत अच्छा, बहुत एक अमलगमेशन बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल चलो अच्छा लगा कि यू हैव फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है इंडिया में, मिल गया बिकॉज ये सर ओनली ओनली बिकॉज ऑफ योर मेहनत। सबसे बड़ी चीज आप तुम्हारा जो हार्ड वर्क है और सबसे बड़ी चीज जितना मैंने लास्ट 2021 से देखा है वो है पेशेंस, सबसे बड़ी चीज है। तो बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो मेहनत 6 महीने के लिए करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं रहता है कि हम ये मेहनत को आगे लें या नहीं लें। ठीक है तो तुम में वो मैं देखा है कि तुम्हारे पास मेहनत प्लस पेशेंस है, और वो जो पेशेंस होता है ना वो बहुत बड़ी वेपन होती है एक एस्पिरेंट के लाइफ में। ठीक है फॉर बस ये एग्जांपल येस्टरडे मुझे एक स्टूडेंट ने एक जम्मू का एक स्टूडेंट है वेरी न्यू टू दिस फील्ड, कुछ 2-3 महीने से परस्यू कर रहा है वो। उनका एक क्वेश्चन था कि सर अगर नहीं हुआ तो मेरा ऑप्शंस क्या है उनका, अगर मतलब मैंने उसको बोला कि ये चीज वैसा सोचने का नहीं है, पहले ऊपर के लेवल तक अपना 100% एग्जाम के लिए ट्राई करो, कहीं ना कहीं जो भगवान होता है कहीं ना कहीं सबके जो गॉड होते हैं वो कहीं ना कहीं फिट करा ही देता है। अगर आप अपने आप से ऑनेस्टी से पढ़ रहे हो सही दिशा में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं गॉड विल प्ले इट्स ओन पार्ट एंड विल रेस्क्यू यू बाय गिविंग अ वेरी गुड रेप्यूटेड जॉब एनीवेयर। ये बात है सर, सर मैं मानता हूँ कि अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है, आपको अपने ऊपर अगर सेल्फ बिलीफ है और आपने अब मेहनत पे विश्वास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर बहुत अच्छा मिलता है, अगर किसी का पेपर नहीं भी क्वालिफाई होता है तो उसको इतना अच्छा पढ़ना आ जाता है कि वो टीचिंग लाइन या फिर कोई और एग्जाम्स बहुत आराम से निकाल सकता है, इट्स जस्ट कि एग्जैक्टली उसको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है वो रिलेवेंट है और वो अच्छे से पढ़ रहा है, उसकी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ओके। सो आई होप यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन बिकॉज हम दोनों का जो मेन गोल है वो है यूपीएससी राइट। यस सर तो जो हमारा ओरिजिनल गोल है ये हमको मिल गया,
खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरे स्टूडेंट्स खुश हैं, तुम खुश हो, घर वाले खुश हैं, मेरे घर वाले खुश हैं, हम सब खुश हैं, ये दैट इज ओके। बट जो हमारा जिस जिसके वजह से हम जुड़े थे जीएस के वजह से, और कहीं ना कहीं वो जीएस हेल्प किया। आई वुड वॉन्ट यू टू सी यू एज एन आईएएस और एन आईपीएस ऑफिसर इन नियर आई विल फ्यूचर। ट्राई माई बेस्ट सर, सर बिल्कुल आई विल ट्राई माई बेस्ट, और जब तक उम्मीद है, जब तक मेरी एज है, जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं ट्राई बिल्कुल, करता रहूंगा सर, वेरी गुड, वेरी कोशिश गुड, पूरी रहेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू वांट टू कम टू दिल्ली, लेट्स मीट, ओके? बिल्कुल सर, आप जब दिल्ली दिल्ली आऊंगा तो सर पर्सनल मेंटरशिप में रहूंगा आपके, फिर आपसे अरे हाँ, वो डायरेक्टली तो है कॉल ही है, करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यस सर, ओके। सो ऑल द बेस्ट, एंड स्टूडेंट्स को मैं इसलिए सबको तुमको आज दिखाना चाहता हूँ कि सो दैट एक जर्नी पता चले बच्चों को, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले, ओके? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक थैंक यू सो है, मच सर, ओके, थैंक यू, एंड विल सी, विल मीट अप सून, ओके? बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, ओके ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक्स।